डबरा में कृषि उपज मंडी में हर तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली का ये जमावड़ा और इसी भीड़ में खड़ी इकलौती बैलगाड़ी, इसे हम पुराने दिनों से जोड़कर देखें या फिर आधुनिक दौर में बैलगाड़ियों का खत्म हो रहा चलन कहें। आज खेत और खेतीबाड़ी से मुंह फेर रहे किसान मशीनों के इस्तेमाल को इतना तवज्जो देने में मशगूल है कि बैलगाड़ियों का वो दौर मानो पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसी दरमियान हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली की भीड़ में एक किसान अचानक बैलगाड़ी से धान की फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचा, जिसकी फसल को व्यापारियों ने खरीदना तो छोड़िए देखना भी मुनासिब नहीं समझा। कंचनपुर गांव के किसान विष्णु नामदेव की माने तो वो जब से मंडी में आया है उसकी बैलगाड़ी को देखकर कोई भी उसकी फसल खरीदने को तैयार नहीं है। हालांकि जब उसने इस बारे में मंडी प्रशासन से शिकायत की तब कहीं जाकर व्यापारी ने उसकी धान खरीदी। डबरा की कृषि मंडी समिति डबरा में जहाँ पर हजारों सैकड़ों ट्रॉलियां मंडी में हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बैलगाड़ी लेकर एक किसान यहाँ पर आया हुआ है, जिसके लिए ना तो बैलों के लिए भोजन की व्यवस्था है और ना ही किसानों के लिए कोई भोजन की। यहाँ पर जो कैंटीन हुआ करती थी वो भी आज बंद पड़ी हुई है। और आइए मैं ऐसे किसान से मिलवाता हूँ आपको जो अपनी बैलगाड़ी से यहाँ पर धान की फसल लेकर आया है, जो 24 घंटे से इस मंडी में भूखा प्यासा डला हुआ है। हाँ भाई, क्या क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप, जरा बताएं। विष्णु नामदेव, कंचनपुर से आया हूँ। विष्णु जी, क्या लेकर आए हो और क्या मतलब आपकी धान नहीं बिची, थोड़ा बताइए। धान व्यापारी भाव नहीं लगा रहा है, व्यापारी बात करें भग जाता है और जाम के कारण वे वहीं के वहीं मिल रही है उसको बानकी से, तो इसलिए बोली नहीं लग रही है। आपकी धान की बोली अभी क्या लगाई है और कितने व्यापारी आपकी धान को देखने आए थे, बताइए। कोई व्यापारी नहीं आया अभी। क्या कारण रहा है कि कोई व्यापारी आपकी धान को देखने नहीं आया? एक बैलगाड़ी है, सैकड़ों बात करें ट्रॉली है, इस कारण बैलगाड़ी को नहीं आए। तो आप देख रहे हैं कि सैकड़ों ट्रॉलियां यहाँ पे है, हजारों क्विंटल उनकी धान खरीदी होती है, लेकिन इसकी जो बैलगाड़ी है उसमें मात्र 20 क्विंटल धान भरी होगी, 10 क्विंटल धान भरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से व्यापारियों का ये सम्मानना है कि 10 क्विंटल से क्या होगा हमारा, लेकिन क्या किसान बेचारा ऐसे ही मरता रहेगा जो 10 क्विंटल धान लेके आएगा उसकी धान नहीं खरीदी जाएगी, बेचारा 24 घंटे से यहाँ पर बिल्कुल अपनी बैलगाड़ी को खड़ी करके सोया हुआ है। डबरा से भरत रावत, पंजाब केसरी न्यूज़।